हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कक्षा 3 पहल गणित कार्य पुस्तिका में कार्य पत्रक 73, 74 और 75 हल करेंगे, यानी वर्कशीट 73, 74 और 75 सॉल्व करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलो आइए देखते हैं। कार्यपत्रक 73 में दक्षता है त्रिविमीय आकृतियों को द्विविमीय आकृतियों के रूप में पहचानने की समझ बना पाना। पहला सवाल है, निम्न ठोस वस्तुओं को ट्रेस करने पर कौन सी आकृति बनेगी, मिलान कीजिए। जैसे ईंट है तो इसमें से कौन सी बनेगी, इसको मिला रखा है इससे, इसको द्विविमीय आकृति ये बनेगी आयत। अगला है, ये किताब है, इसके लिए कौन सी बनेगी, देखो इसके नीचे है ये, इससे मिलान कर देंगे इसका। आगे ये खुरपी है तो ये बनेगी इसकी, और फिर आगे है प्लेट, तो ये प्लेट है, इसको ट्रेस करेंगे तो ये द्विविमीय आकृति बनेगी। फिर नीचे है बाल्टी, बाल्टी है ये, ये इससे मिलान कर दिया। अगला कार्य पत्रक है 74 का, दक्षता है द्विविमीय आकृतियों में भुजाओं कोणों की संख्या की समझ विकसित कर पाना। चित्रों को देखकर सारणी भरिए। ये घड़ी है, यानी ये किसके आकार की है, वर्ग के आकार की। ये वृत्त है, ये आयत है और ये त्रिभुज है। अब देखो ये है आकृति, है त्रिभुज, आकृति का नाम, आकृति की भुजाएं कितनी हैं, भुजाएं हैं 3। आकृति के कोने कितने हैं, तो कोने भी इसके देखो 1, 2, 3 हैं। अगली है वर्ग है, आकृति का नाम लिखेंगे, भुजाएं हैं इसमें 4 और कोने भी इसमें हैं 4। अगला है वृत्त, इसमें भुजाएं 0 हैं और कोने भी कितने हैं, 0 हैं, यानी कोई कोना नहीं है, कोई भुजा नहीं है। अगला है आयत, इसमें 4 भुजाएं हैं और कोने भी कितने हैं, 4 हैं। अगला सवाल है 2 का, पहेली हल कीजिए। ऊपर नाम दे रखे हैं त्रिभुज, वृत्त, आयत और वर्ग। मेरे 4 कोने हैं, मेरी 4 बराबर भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ। तो 4 कोने और 4 भुजा होती हैं वर्ग और आयत में, लेकिन चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये है वर्ग। अगला है, मेरे 0 कोने हैं और मेरी 0 भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ, तो ये है वृत्त। अगला है, मेरे 4 कोने हैं, मेरी 4 भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ, तो ये है आयत। मेरे 3 कोने हैं और मेरी 3 भुजाएं हैं, तो मैं क्या हूँ, त्रिभुज। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 75 का, दक्षता है इसमें 20 तक की संख्याओं को मूर्त रूप से चित्रों अथवा प्रतीकों द्वारा गिनने एवं लिखने की समझ बना पाना। खानों को गिनकर सामने लिखी संख्याओं में से सही पर गोला बनाइए। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पर गोला कर दिया। ऐसे ही देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अगला है देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 नीचे के 20। ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 5, 10 और 5, 15। फिर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 दुनी 18 और 1 ये 19। गिनती पूरी कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगला है उल्टी गिनती पूरी कीजिए, 20, 19, 18, 17, 16, 15,
चौदह, तेरह, बारह, ग्यारह, दस, नौ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स।